नॉइस के लेटेस्ट ईयरबड्स स्टील ब्रश नॉइस VS303 गाइस ये इंडियन मार्केट में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन ईयरबड्स को चार्ज करेंगे, क्या चार्जिंग टाइम है, कितना टाइम ये लेते हैं चार्ज होने में फुल्ली एंड आप कितना बैटरी लाइफ इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईयरबड्स मार्केट में नए हैं, आपके पहले ईयरबड्स हैं, तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन होंगे कैसे इनको चार्ज कर सकते हैं ढंग से एंड अदर थिंग्स भी। बट इस वीडियो में आप बने रहिए, जुड़े रहिए एंड अनटिल एंड आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूँ तो आप डेफिनेटली कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JSTech। चलिए यार गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइस नॉइस के VS303 दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक जो ग्लॉसी फिनिश है इनकी वो काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड ईयरबड्स कंफर्टेबल के मामले में भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। बट अगर बात करें इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की एंड चार्जिंग टाइम की, तो कितना टाइम ये लेंगे पूरा चार्ज होने में वो मैं आपको बताता हूँ एंड कैसे इनको चार्ज करते हैं। तो गाइज एज पर नॉइस इनको चार्ज करने में आपको करीबन 1 घंटा लाइक 60 मिनट से 90 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन चार्जर एंड आपका जो डेटा केबल आप यूज़ करते हैं वो। तो मेनली जो ईयरबड्स कंपनीज हैं वो आपको एक नॉर्मल चार्जर सजेस्ट करती हैं जो कि एक 5-10 वोट होता है। आप उनकी जो बुकलेट्स हैं वहाँ पे देखेंगे तो 5 वोट 1 एम्पीयर 5 वोट 2 एम्पीयर काइंड ऑफ आपको रेटिंग वहाँ पे मिलेगी जो एक रिकमेंडेशन है इनकी ओर से। ओके बट आज जो मार्केट चल रही है लाइक सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं एंड स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो आपको एक काफ़ी पावरफुल चार्जर ब्रिक देते हैं ऑफर कर रहे हैं, लाइक रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, इवन शाओमी एंड सैमसंग भी आपको एक बैटरी चार्जर ऑफर कर रहे हैं लाइक 15 वोल्ट 25 वोल्ट 30 40 50 60 काइंड ऑफ रेंज आपको मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अगर एक 5-10 वोल्ट चार्जर यूज़ नहीं कर सकते तो आप एक चार्जर यूज़ कीजिए लाइक अप टू 30 और 33 वोल्ट जो बैटरी थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, लाइक 5-10 वोल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 60-50 वोल्ट का चार्जर यूज़ करेंगे तो ईयरबड्स की बैटरी जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। चार्जिंग टाइम आपको कम मिलेगा, लाइक अगर 1.5 घंटा बोला तो 1 घंटे में भी आपके फुल चार्ज हो जाएंगे नो डाउट। बट लेटर ऑन लाइक लॉन्ग रन में आप इनको 2-3 महीने यूज़ करेंगे देन आप रियलाइज़ करेंगे जो नॉर्मल बैटरी लाइफ था इनका वहाँ से कहीं ना कहीं आपको कम बैटरी लाइफ मिलने लगा है। ओके तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इस चार्जिंग के लिए आप कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं डजंट मैटर, बट लेटर ऑन वो इफेक्ट करेगा बैटरी लाइफ पे। तो मैं कौन सा चार्जर यूज़ करता हूँ, तो पीछे जो है सैमसंग का एक 25 वोल्ट का चार्जर मिला हुआ है जो मेरे S20 Plus के साथ आया था। ओके तो उससे मैं इनको चार्ज करता हूँ। चार्जिंग आप जब इनको लगाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको नोटिफिकेशन या लेटर लाइट मिलेगी। तो गाइस जब आप इनको चार्ज करते हैं तो अभी यहाँ पे मुझे एक रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है। ओके जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे लाइट आपका ब्लिंक करना बंद कर देगा या आप एक ब्लू लाइट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इतनी दूर से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपको कि लाइट ब्लिंक कर रही, बट रियलिटी में एक रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही थी इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट। ओके तो फॉर मी गाइस चार्जिंग टाइम इनका 1 घंटा है 25 वोल्ट की चार्जर से। देन अगर मैं दूसरी बात करूं लाइक ईयरबड को कैसे चार्ज करते हैं, तो ईयरबड चार्ज करने के लिए आपको जो ये केस है वो चार्ज करना वो आपका चार्ज होना चाहिए एंड अगर आपका केस चार्ज है तो वो ईयरबड्स को 0-100% 3 बार तक चार्ज कर सकता है, विच मीन आप अगर इनको यूज़ नहीं कर रहे देन आप इनको वापस से केस में रखेंगे देन आपके ईयरबड चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके एंड आपके ईयरबड जब चार्ज होंगे जब इनको आप बंद करेंगे लाइक केस को क्लोज किया ईयरबड आपके ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ईयरबड्स को चार्ज होने में करीबन 40-45 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड अगर आप इनको 50% पे ही रख देते हैं वापस तो 5-6 बार तक आराम से केस इनको चार्ज कर देगा। ओके तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि चार्जिंग टाइम पे ईयरबड को केस में रखें बाहर रखें, तो टोटली आपके ऊपर है, आप चार्ज करते हुए ईयरबड को यूज़ कर सकते हैं, एक ईयरबड को रख सकते हैं एक को यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप ये चीज़ किसी भी ईयरबड्स के साथ कर सकते हैं। ओके
बैटरी लाइफ कितना है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी TWS में। ओके तो गाइज यहाँ पे नॉइस ने आपको टोटल 18 आवर का बैटरी बैकअप बताया है विदाउट ईयरबड्स, सॉरी विदाउट जो है ईयरबड चार्ज नहीं है, एंड ईयरबड अगर फुली चार्जिंग केस भी आपका चार्ज है तो टोटल 24 आवर्स का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगल टाइम में आप 6 घंटे बैटरी बैकअप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 6 घंटा तो नहीं गाइज, रियलिटी में 6 घंटा तभी है जब आप 70% वॉल्यूम लेवल रखते हैं एंड मेन लिन को आप कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते, उस टाइम ही आपको अराउंड 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। बट अगर आप वॉल्यूम लेवल इंक्रीज कर देते हैं, इनको गेमिंग एंड कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, देन जो बैटरी है 6 घंटे से 4.5 घंटा आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज आप 4.5 घंटे से मान के चलिए आप बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप है वो आप इनको करीबन करीबन 17 घंटे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है यार, 1800 रुपये में आपको 17 घंटे बैटरी बैकअप मिल रहा है, नॉट ए बैड डील। आपका 1, 2, 3 से 4 दिन बड़ा ही प्यार से निकाल देंगे डिपेंडिंग ऑन आपकी यूजेज। ओके तो गाइज आई होप आपके जो भी सवाल थे बैटरी लाइफ चार्जिंग टाइम के रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाया तो यार क्या वेट करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइज।